खेत में बनी झोपड़ी में अचानक आग लगने से झोपड़ी में सो रहे दो मासूम बच्चों की जलने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दमोह जिले के जबेरा थाना अंतर्गत कनकपुरा गांव में गोलू आदिवासी, उसकी पत्नी और दो बेटियां झोपड़ी में सो रहे थे, तभी अचानक से झोपड़ी में आग की लपटें निकलने लगी, जिसमें गोलू आदिवासी उसकी पत्नी तो खुद को बचा ले गए, लेकिन उनकी 4 साल की मासूम बेटी सोहनी और 6 साल की बेटी सुनैना पूरी तरह जलकर खाक हो गयी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित खेत पर घुसे मवेशी को भगाने गया था, तभी झोपड़ी में आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे में मृत बच्चों के सिर्फ कंकाल ही मिल पाए हैं। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। थाना जबेरा क्षेत्र में कल रात में करनपुरा गांव में एक झोपड़ी नुमा मकान में आग लग गई थी, जिसमें दो बच्चों के झुलस कर खत्म हो जाने की जानकारी प्राप्त हुई। दोनों बच्चों के शव प्राप्त किए गए हैं, उनका मरणपल छामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसका अधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है, वहीं आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। सागर टीवी न्यूज के लिए दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट।